हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओवरहेड। ओवरहेड का डेफिनेशन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ओवरहेड के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे, जो चार अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है, ओवरहेड है क्या, इसको समझने से के लिए हम लोग को थोड़ा पीछे जाना होगा। पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है इंट्रोडक्शन में, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट के जो तीन एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये तीन चीज़ों के मिलने से ही किसी भी चीज़ वस्तु का जो है प्रोडक्शन होता है। अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अगर हम लोग सम टोटल करते हैं, तो जो कॉस्ट क्रिएट होता है, जो कॉस्ट तैयार होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, जो हमारा मेन कॉस्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोग को ब्रेड बनाना हो, तो फिर इसमें जो मैदा लगता है, जो इसमें रिफाइंड ऑयल लगता है, जो इसमें शुगर लगता है, ये हमारा हो गया मटेरियल। इसको बनाने में जो इसमें जो इसको जो बनाने में डायरेक्टली जो लेबर का इन्वॉल्वमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। और इसको तैयार करने में जो डायरेक्टली जो पावर लगेगा, जो रेंट लगेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी लगने वाला है, इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इन तीनों का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। दूसरी तरफ है कि मशीनों को चलाने में, मेंटेनेंस में कुछ ग्रीस वगैरह लगता होगा, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे ही तीनों इनडायरेक्ट भी लगता है। तो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो इनडायरेक्ट लेबर है, जो इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस है, इस तीनों का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। यानी ये तीनों एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अगर इनडायरेक्टली खर्च किए जाएंगे, तो इनका सम टोटल को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। और अगर डायरेक्टली खर्च किए जाएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। तो चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसमें है ओवरहेड का मीनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। इसके जो क्लासिफिकेशन चार तरह के किए गए हैं, एक तो है एलिमेंट वाइज, फिर है फंक्शन वाइज, बिहेवियर वाइज और लास्ट में कंट्रोलेबिलिटी वाइज। कॉस्ट जो है गुड्स का कैसे तैयार होता है, देखिए। तो कॉस्ट जो है गुड्स का, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में किन चीज़ों का इंक्लूजन है, समावेश है? एक तो होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर और तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का जो सम टोटल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, जो इनडायरेक्ट लेबर होगा, जो इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंसेस होगा, इन तीनों का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। यही है हमारा ओवरहेड। यानी ओवरहेड है क्या, इसका अगर डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ओवरहेड आर दोज एक्सपेंसेस। देखिए ओवरहेड आर कहता है, आर क्यों कहा गया है, प्लूरल है, क्योंकि ओवरहेड में ये सारे इनडायरेक्ट खर्चों का जो है इंक्लूजन है, समावेश है, सम टोटल है, इसीलिए इसको हम लोग आर यानी प्लूरल मानते हैं। Overheads are those indirect cost which cannot be directly related to the any specific product or the job or the process. किसी भी directly job में, process में या work में या production function में जिनका directly involvement नहीं है, directly जिनका participation नहीं है, उस जो indirectly लगते हैं, इसको हम लोग overhead बोलते हैं। Because क्योंकि they cannot be directly attached or marked to any specific activity or any cost center. तो किसी भी cost center में directly इनका involvement नहीं है, indirectly लगते हैं, इसीलिए इसको हम लोग overhead बोलते हैं। चार अलग अलग classification बताया गया है यहाँ पर। Element wise जो है overhead तीन तरह के होते हैं। एक तो है आपका indirect material, indirect labor और indirect expenses। इन तीनों का sum total को हम लोग overhead कहते हैं। फंक्शन वाइज अगर आप क्लासिफिकेशन चाहते हैं, तो पहला तो है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, फिर होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड और फिर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अभी हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। तीसरा, अगर बिहेवियर वाइज अगर बात करें, तो एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और सेमी वेरिएबल ओवरहेड। कंट्रोलेबिलिटी बेसिस पर अगर हम लोग बात करें, तो कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल दो तरह का खर्चे होते हैं, दो तरह के ओवरहेड होते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ओवरहेड का। एक एक करके अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसका डेफिनेशन वगैरह, कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी हम लोग साथ ही साथ चर्चा करेंगे। तो आइए, ओवरहेड कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल और अलोकेबल टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल वे। तो एक ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार अगर देखा जाए, तो इसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, जहां पर इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय लगे होते हैं,
आपस में मिलकर इनका हम लोग काम करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। इस तरह से ओवरहेड का जो हम लोग ने डेफिनेशन देखा ये वही है सेम। आगे देखिए, आगे अब अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये वही बात खुल करके आता है कि द टोटल कॉस्ट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। प्राइम कॉस्ट एक होता है जिसमें कि आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, और दूसरा होता है ओवरहेड। ओवर के हेड के अंदर में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। दस इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि द एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट ओवर सॉरी इनकर्ड ओवर एंड अबव द हेड ऑफ द प्राइम कॉस्ट आर नोन एज द ओवरहेड एक्सपेंसेस। कहता है कि इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट के बाद होने वाले खर्चे, प्राइम कॉस्ट के ऊपर ओवर होने वाले सारे खर्चों का जो सम टोटल है उसको हम लोग ओवरहेड कहते हैं। आइए ओवरहेड अकाउंटिंग का अगर हम लोग चर्चा करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है उस पर अभी हम लोगों ने बात किया। तो सबसे पहले हमारा जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। एलिमेंट वाइज, एलिमेंट यानी तत्व, इंग्रेडिएंट्स क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो इसमें अभी हम लोगों ने देखा ही था कि इसके अंदर में इस क्लासिफिकेशन के अंदर में हम लोगों को देखना होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। इसके अंदर में तीन है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या लगेंगे? दोज मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल्स जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लगे होते हैं, विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन टू फिनिश प्रोडक्ट एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ विच। कहता है कि ऐसे मटेरियल, ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली जिनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रोडक्शन फंक्शन में, इनडायरेक्टली जिसको हम जिसको कि ट्रेस वी कैन नॉट ट्रेस देम सेपरेटली इंडिविजुअली पर्टिकुलरली, ऐसे खर्चे एलिमेंट के जिनको डायरेक्टली हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, ट्रेस यानी खोज नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ दिखेगा, जैसे कि कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स हैं, लूज टूल्स हैं, कॉटन वेस्ट वगैरह जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं, इसको हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर में आप देखते हैं जो गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में जो लगे हैं वो तो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्टली क्या है? फोरमैन, जो फोरमैन लगे होते हैं, गैंगमैन लगे होते हैं, सुपरवाइजर्स लगे होते हैं, वर्क्स मैनेजर, वर्क्स यानी फैक्ट्री, फैक्ट्री मैनेजर जो लगे रहते हैं, स्टोर कीपर जो होते हैं, मेंटेनेंस, वेजेस का मेंटेनेंस में जो लगे रहते हैं, इडल टाइम कॉस्ट में जो लगता है, खर्च होता है, हॉलीडे पे में जो पेमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, वर्कमैन का जो कंपनसेशन क्षतिपूर्ति देना पड़ता है, एम्प्लॉयर को जो कंट्रीब्यूशन उनका जो प्रोविडेंट फंड में है वो जो देना पड़ता है, ओवर टाइम में जो वेजेस हम लोग को पे करना पड़ता है, ये सारे के सारे का सम टोटल को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है? ऐसे कॉस्ट जैसे कि फैक्ट्री का रेंट है, लाइटिंग है, हीटिंग है, डेप्रिशिएशन, इंश्योरेंस, फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो खर्चे हैं, इन सारे खर्चों को जो है हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, और इन सबको मिला करके ही हमारा ओवरहेड तैयार होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन। फंक्शन क्या क्या है? इसके फंक्शन है तो सबसे पहले तो वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री में जहां माल तैयार होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोडक्शन ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इसके अंदर में क्या क्या आएगा? तो कहते हैं कि ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड इन फैक्ट्री, जो फैक्ट्री में होने वाले जितने भी ओवरहेड है, जितने भी खर्चे हैं इनडायरेक्टली जो किए जाते हैं, चाहे वो मटेरियल पर किए जाएं, चाहे वो लेबर पर किए जाएं, या एक्सपेंसेस पर किए जाएं, या और कहता है बट एक्सक्लूडेड ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस। लेकिन इन सारे खर्चों में से हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस निकाल देना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस निकाल देना है, और इसके अलावा जो हमारा खर्चा बचा रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। इसका एक लिस्ट हम लोग को यहाँ देखने को मिल सकता है फंक्शन वाइज में। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में देखिए, इन सारे खर्चों को हम लोग को लेना है, जैसे कि रेंट एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस। एक मिनट, अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये कहता है कि ये कुछ ऐसे खर्च, रेंट ऑफ द म्यूनिसिपल टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस,
फैक्ट्री में जो लाइटिंग एंड हीटिंग खर्चे होते हैं, डेफिशियल वगैरह जो हम लोग लगाए हैं, फ्यूल एंड पावर जो हम लोगों ने खर्च किया है, कंज्यूमेबल स्टोर और स्मॉल टूल्स में जो खर्च किया है, इनडायरेक्ट मटेरियल सच एज अ कॉटन वगैरह में जो हम लोगों ने खर्च किया है, स्टोर कीपर है, रिपेयर्स ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग है, इडल टाइम ओवर टाइम जो है, सैलरी ऑफ द फोरमैन, स्टोर कीपर, वर्क मैनेजर, टाइम कीपर का जो है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर हाउस पर जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, सैलरी ऑफ स्टाफ, जो स्टाफ को हम लोग सैलरी दे रहे हैं जो प्रोडक्शन प्लानिंग में लगे हैं, टेक्निकल सुपरविजन में लगे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लगे हैं, क्वालिटी ऑफ द कंट्रोल एक्सपेंसेस, हॉलेज में जो लगे हैं, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस में जो लगे हैं, एक्सपेंसेस ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट, टूल्स रूम्स, पॉल्यूशन कंट्रोल में जो लगे हैं, अदर एक्सपेंसेस फॉर एग्जाम्पल द वर्क ट्रेनिंग एंड वेलफेयर इंस्पेक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में जो खर्च होता है, फैक्ट्री टेलीफोन और स्टेशनरी में जो खर्च होते हैं, ये सारे के सारे जो खर्चे हैं इसको लिया जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा दो तरह का जो हम लोगों ने फंक्शन है इस पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, ये भी अभी इनकम्प्लीट है, नेक्स्ट पेज में अभी हम लोग देखेंगे, बाकी का पूरा अभी हम लोग कंप्लीट करना है। तब तक आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले खर्चे थे। अब आप देखिए कहता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो खर्चे ऑफिस में किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्च किए जाएंगे, जैसे कि एक्सपेंसेस पर्टेनिंग इनटू द ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट में जो खर्च किए जाएंगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जो खर्च किए जाएंगे, वो इस हेड के अंदर में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के अंदर बहुत सारे खर्चे हैं, प्रशासनिक खर्चे होते हैं, जैसे कि हमारा ऑडिट ऑफिस ऑडिट फीस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ऑफिस सैलरी है, पोस्टेज स्टेशनरी टेलीफोन एंड ईमेल फैक्स का जो खर्चा है, लीगल एक्सपेंसेस है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस, रेंट, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट और ऑफिस का जो फर्नीचर का जो खर्च है, बैंक चार्जेस हैं, ऑफिस कंडीशनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पर जो खर्च होते हैं, ये सारे के सारे खर्चे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके बाद तीसरे कैटेगरी में अगर हम लोग देखें फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि बेचने में, माल को बेचने में जो खर्च होते हैं, प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बेचने में जो खर्चे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड्स, जिसके अंदर आपका एडवर्टीजमेंट, जनरल मार्केट रिसर्च एनालिसिस, सेल्स इंसेंटिव, कोटेशन प्राइस लिस्ट, सैलरीज एंड कमीशन ऑफ द सेल्समैन एंड द सेलिंग एजेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द सेल्समैन, सेल्समैन को जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो पे किया जाता है कंपनी की तरफ से, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, सैलरी एंड सेल्स मैनेजर को दिया जाता है जो खर्चा होता है उसमें, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने सामान को अच्छी तरीके से डिस्प्ले करना, उसको दिखाना। वारंटी क्लेम में जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ आफ्टर सेल सर्विस और सेल सर्विस के बाद जो खर्च होते हैं, ये सारे खर्चे आते हैं सेलिंग ओवरहेड के अंदर में। चौथा ओवरहेड जो होता है फंक्शनल डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के अंदर ही, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। गुड्स जो तैयार हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी खर्च होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, रिपेयर, डेप्रिसिएशन ऑफ द डिलीवरी वैन्स, वेयरहाउस में जो एक्सपेंस होते हैं, रेंट, डेप्रिसिएशन, रिपेयर और वेयरहाउसिंग में जो सैलरी देना पड़ता है स्टाफ को, इंश्योरेंस में जो खर्च करने पड़ते हैं गुड्स के, वेस्टेज ऑफ द फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स जो वेस्ट हो जाते हैं, जो बर्बाद हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनका भी सम टोटल हम लोग इसी में रखते हैं। तो ये चार कैटेगरी रहा आपका फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर में। इसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन जो है ये आपका है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। बिहेवियर वाइज अगर देखा जाए तो तीन तरह के जो है ओवरहेड कहे गए हैं। एक होता है फिक्स ओवरहेड, दूसरा होता है वेरिएबल ओवरहेड और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। जो फिक्स, आइए अब एक करके बात करते हैं। फिक्स ओवरहेड क्या है? ओवरहेड यानी ऊपरी खर्च। फिक्स ओवरहेड उसको हम लोग बोलते हैं जो कि फिक्स है, हर महीने लगना है, हर दिन लगना है, हर साल लगना है और होना ही होना है, चाहे उस समय आप प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम ले रहे हों, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब चल रहा हो, मशीनें चल रही हैं, प्लांट जो ओपन है, तब तो ये खर्च होते ही हैं। प्लांट अगर बंद हो तो भी ये खर्च हो रहे होंगे, इसको बोलते हैं फिक्स ओवरहेड। जैसे अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड होता है बाय द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। आउटपुट आपका यानी प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चे लगने ही लगने हैं।
the fixed overhead related to the periods and the fixed cost are also known as the period cost भी इसको हम लोग बोलते हैं. जैसे बिल्डिंग का जो रेंट है, जो सैलरी हम लोग देते हैं ऑफिस स्टाफ को, वो तो भाई आपको देना ही देना है. एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, आइए कुछ ऐसे खर्चे जो हम लोग को पे करना ही पड़ता है. देखिए पहले तो रिलेटिंग टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड जो फिक्स्ड कॉस्ट यानी जो फिक्स्ड हमारे जो एक्सपेंसेस है, ये देखिए इसमें रेंट एंड टैक्सेस ऑफ द फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस चार्जेस प्लांट मशीन बिल्डिंग के ऊपर जो हम लोग इंश्योरेंस पर खर्च करते हैं, इन सारे प्लांट मशीन बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन होता है ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस जो फिक्स्ड है, सैलरी जो हम लोग फोरमैन को देते हैं मैनेजर को देते हैं और टाइम बेसिस पर जो उनको पे करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम लोग पे करते हैं, ये हमारा फिक्स कॉस्ट है. ये तो हमारा था रिलेटिंग टू फैक्ट्री. अब है रिलेटिंग टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स्ड हैं, जो हमेशा लगने ही लगने हैं. जैसे कि मैनेजर का जो सैलरी है, स्टाफ का जो सैलरी है, रेंट और डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस बिल्डिंग का जो खर्च है, बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस पर जो खर्च है, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड पीरियोडिकली जैसे टाइम टाइम पर जो वॉचमैन को हम लोग सैलरी देते हैं, मंथली रिपेयरिंग में जो हम लोग का चार्जेस लगता है मशीनरी पर, फिक्स चार्जेस जो टेलीफोन पर लगता है और डिपेंडेंस जो फर्नीचर का होता है, ये सारे के सारे जो है ऑफिस के रिलेटिंग ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन था. अब हम लोग तीसरा हेडिंग देख लेते हैं रिलेटिंग टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी कुछ ओवरहेड होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स्ड हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ, रेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द सेलिंग ऑफिस एंड सेल्स ऑफिस एंड द वेयरहाउस, डेप्रिसिएशन ऑफ द डिपार्टमेंटल फर्नीचर एंड डिलीवरी वैन, फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ गेस्ट हाउस. और आगे हम लोग देखें तो ये तीसरे तरह के जो खर्चे थे जो कि फिक्स्ड नेचर के होते हैं. अब हम लोग बात करेंगे जो वेरिएबल नेचर के होते हैं खर्चे. फिक्स्ड कॉस्ट को बोलते हैं जो लगना ही लगना है, वेरिएबल एक्सपेंस को बोलते हैं जो हम लोग अगर वॉल्यूम का साइज बड़ा कर दें, यानी प्रोडक्शन का आउटपुट का अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, वॉल्यूम या केजी में क्विंटल में अगर हम लोग ज़्यादा कर दें क्वांटिटी में, तो हम लोगों का ये जो कॉस्ट है ये खर्चे जो है ज़्यादा हो जाते हैं. अगर हम लोग प्रोडक्शन का क्वांटिटी को कम कर दें तो ये सारे खर्चे उसके साथ जो है प्रोपोर्शनेटली कम हो जाते हैं. ऐसे खर्चों को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स. वेरिएबल ओवरहेड इज़ वन विच टेंड्स टू वैरी डायरेक्टली, ये वैरी करते रहते हैं डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट. आउटपुट का वॉल्यूम कम करेंगे तो ये हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट है कम आएंगे खर्चे, और वेरिएबल ओवरहेड ज़्यादा हो जाएंगे अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा देंगे तो. ये इंक्रीज और डायरेक्ट डिक्रीज होते हैं प्रोपोर्शन जैसे हम लोग वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं उस तरह से. इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आइए जैसे एग्जाम्पल कुछ है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, फ्यूल, पावर, लाइटिंग, हीटिंग, ओवरटाइम एंड स्मॉल टूल्स, स्टोर एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सारे खर्चे. इन द स्फीयर ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएबल्स वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जाम्पल क्या है, सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट्स टू द कस्टमर, बैड डेट, ब्रांच एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग, सेल्समैन एग्जाम्पल्स एक्सपेंसेस, पैकिंग चार्जेस, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, वेरिएबल एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन, इन सब का जो सम टोटल है इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल ओवरहेड. ये आपका वॉल्यूम ऑफ आउटपुट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर जो है वेरी करता है, कम ज़्यादा होता है. अब हम लोग देखेंगे सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल ओवरहेड या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसमें दोनों ही चीज़ें दिखती हैं. कुछ पार्ट इनका फिक्स होता है, कुछ पार्ट इनका वेरिएबल होता है. यानी एक टाइम तक वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी या नंबर ऑफ क्वांटिटी यूनिट तक जो है कुछ तक ये फिक्स रहता है, उसके बाद इतना के बाद इतना बढ़ेगा, ऐसा कुछ है. इसको इसमें दोनों ही आपको क्वालिटी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी वेरिएबल बोलते हैं. पार्टली फिक्स होता है, पार्टली वेरिएबल होता है. इट मीन्स अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस डज नॉट चेंज व्हाइल द अदर पार्ट ऑफ द सेम एक्सपेंस चेंजेस विद द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट. जनरली नो कॉस्ट आर ट्रूली फिक्स्ड और ट्रूली वेरिएबल. या ऐसे खर्चे हैं जो अगर सही सही में देखा जाए तो ना तो पूरे फिक्स्ड है ना तो पूरे वेरिएबल है, इसीलिए इसको हम लोग सेमी वेरिएबल कहते हैं. इसको सेमी फिक्स्ड ओवरहेड भी कहते हैं.
देयर इज नो हार्ड रूल एंड रेगुलेशंस डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। आइए अब इसके अंदर सेमी वेरिएबल के अंदर जो कुछ खर्चे हैं वो हम लोगों ने देख ही लिया। तो वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड एक्सपेंसेस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। चौथा, फोर्थ यानी लास्ट क्लासिफिकेशन हमारा होगा कंट्रोलेबिलिटी बेसिस पर। कंट्रोलेबिलिटी बेसिस पर अगर देखा जाए तो इस क्लासिफिकेशन में दो तरह के खर्चे होते हैं। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, जो जनरल, कॉमन, रेगुलर, नॉर्मल नेचर के होते हैं, और कुछ ऐसे खर्चे हैं जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस या ओवरहेड कहते हैं। आइए बात करते हैं। द कंट्रोलेबल कॉस्ट इज वन विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। द वेरिएबल कॉस्ट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। कहते हैं कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये वेरिएबल कैटेगरी के होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलेबल कॉस्ट या ओवरहेड। द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इज वन विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड मेंबर अंडरटेकिंग। जनरली द फिक्स्ड कॉस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। कहते हैं ऐसे खर्चे हैं कुछ जो फिक्स्ड हैं, जो होने ही होने वाले हैं, इसको अनकंट्रोलेबल कहते हैं, और ऐसे खर्चे हैं जो कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसको हम लोग कंट्रोलेबल कहते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या है? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस या लॉसेस, अगर कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एबनॉर्मल नेचर के हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं इसको हम लोग। इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन ओवरहेड्स बट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इफ इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन ओवरहेड देन नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड दस कंपेरिजन इन फ्यूचर कैन नॉट बी मेड पॉसिबल। फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे देखा जाए कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रेगुलेट ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, इसको अनकंट्रोलेबल कहते हैं एक्सपेंसेस, ओवरहेड कहते हैं। जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जैसे कि लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय रिमूवल ऑफ प्लांट। प्लांट को जब हम लोग रिमूव करते हैं उसमें जो खर्च होता है, यानी पहले जो प्लांट था वो पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करके जो नया प्लांट हम लोग लगाएंगे उसमें एडिशनल बहुत बड़ा रकम, बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है, जो अनकंट्रोलेबल है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लॉस बाय फायर, लॉस बाय फ्लड, लॉस बाय थेफ्ट, ब्रेकेज ऑफ मशीन, बड़ी मशीन है बिगड़ गई, खराब हो गया, इस पर जो हम लोग खर्च करते हैं उसको बनवाने में, उसको रिप्लेस करके जो नई मशीन आने वाली है उसमें जो खर्चा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनकंट्रोलेबल खर्च, एक्सपेंसेस, ओवरहेड। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथ ही साथ मैं क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूँ, इसको भी आप स्कैन कर लें तो आपके मोबाइल या लैपटॉप में जहाँ आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, अच्छी विजिबिलिटी के साथ खुलने वाला है। चलो फटाफट से गूगल स्कैनर से आप मोबाइल से उसको स्कैन कर सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में आपके मोबाइल में दिखेगा। चलो, तो आज हम लोगों ने कॉस्टिंग का जो चैप्टर किया है, ओवरहेड डेफिनेशन हम लोगों ने किया, क्लासिफिकेशन जो चार तरह के बताए गए हैं उसके अंदर में जो सब हेड्स हैं इस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कहीं अगर कोई कमी रह गई हो तो भी आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे और ओवरहेड को कैलकुलेट करने के जो अलग अलग तरीके बताए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, और ऐसे ही कॉस्ट क्लास आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।